तुहाडे गली मोहल्ले दे विच कोई डॉग्स रहिंदा तां जे नहीं उन्हूं रोटी पा सकदे ना तां घट्टो घट्ट उन्हूं मारना भी नहीं चाहीदा। अज पूरे 40 डॉग ने जिन्हां नूं असीं अंदर बाहर फीड कराईदा है। तो इन्हां चीज़ां नूं मैनूं जो कि लोगों का विरोध या परेशानी मैनूं बहुत फेस करनी पैंदी है। मेरी गुड़िया है, गुड़िया नूं बहुत फेस करना पैंदा है, बच्चा यंग है। तो कई बार लड़के इहो जिहे आउंदे ने, कई बार गलत चंगे माड़े कमेंट करके जाते हैं, असीं बहुत फेस करते हैं। तो उहदे पिछे की होया भी साड़ी दुकान तक खाली कराउण की नौबत आ गई सी, तो सानूं इह सीगा भी कित्थों खावांगे ते कित्थों उहनां नूं खिलावांगे। जिद्दां कि हुण 2 साल तो अद्धा मुहल्ला बाइकआउट कर गया, मैनूं इह सीगा भी चलो उस काम का सर्कुलेशन चलेगा, मैनूं कोई टेंशन नहीं, मैं बच्चों का खर्चा कढ लाँगी, अपनी भी रोटी चला लाँगी, पर इहो जिहा कुछ नहीं। कई लोग भी जे होणगे कहिंदे होणगे दुकान दे अंदर ही डॉग रखी बैठे ने, इहदा हाथ नहीं धोंदे होणगे, इदां दा भी कोई लोग तुहानूं मिलदे आ फेस करन? नहीं, 1-2 आउंदे आ, पर कई लोग इदां नहीं, क्योंकि असीं इस चीज़ का ना सफाई का बहुत ध्यान रखीदा है। पर जो हैगे बाइकआउट करने वाले फिर बिल्कुल ही बाइकआउट करा देंगे ने, भी इहदी दुकान ते नहीं जाना, ये खाना दिंदी है, डॉग रहिंदे ने दुकान तो बाहर, जे दुकान ही नहीं चलेगी तो आपे खाली कर देगी। क्योंकि रिश्तेदारां वल्लों भी कई बार कहा जाता होना भी तुसीं की मतलब आवारा जिहड़े डॉग्स उन्हां नूं खाना खवाउंदे हो, किड्डा कि चंगा काम है। घरे हैगे डॉग मेरे, तो रिश्तेदारां ने आने घट कर दिता भी डॉग रखे हुए है इन्हां ने। इन्ना क महसूस होंदा वा भी उन्ना तो वध कोई प्यार आपां नूं कर नहीं सकदे, कह सकदे आ वर्ड होंदा सैल्फलैस लव, दी अनकंडीशनल, बगैर किसी कंडीशन दे ओ एक ओही एक एनिमल, एक डॉग कह सकते हैं या कोई भी जानवर, ओही तुहानूं प्यार करदा वा। थोड़ा जिहा प्यार ना, एक कह लो हाथ फेर लो सिर ते, थोड़ा कुछ खाण नूं पा दो, थोड़ी जी केयर दे दो, थोड़ी शैल्टर दे दो, कोई आसरा दे दो, मीह कणी तो बचा लो, ये थोड़ी थोड़ी जी चीज़ां ने ओही यानी कि उन्हां नूं बहुत हुंदियां ने। कहिंदे ने कि हर इंसान दे अंदर इंसानियत हुंदी है, पर कोई विरले लोग ही हुंदे ने जिहड़े इस इंसानियत नूं पहचानदे ने। सति श्री अकाल, द सिटी हेडलाइंस देख रहे हो तुसीं, मैं तुहाडा दोस्त गगन समा। दोस्तो, अज एक स्टोरी जिहड़ी तुहाडे सामने लैके आया इंसानियत दी। जिद्दां मैं पहलां ही कहा कि हर इंसान दे अंदर इंसानियत जिहड़ी जरूर हुंदी है, ते अज इसे तरह की मिसाल जिहड़ी एक कायम कीती एक लेडीज़ ने, उहनां दे नाल तुहानूं असीं मिलाउणे आ। स्टोरी की है कि इस खास जिहड़ी वीडियो ना ये वो लोगों लई है जिहड़े बेजवानां नूं पत्थर मार देने, ते बहुत सारे अपने गली मुहल्ले दे विच आवारा जिहड़े जानवर आपां कह दईए कुत्ते डॉग्स जिहड़े हुंदे ने, तां आम ही जिहड़े लोग उहनां नूं पत्थर भी मार देने, घर दे बाहर जिहड़ा घर तों बाहर भजा देंदे ने, पर अजिहे लोग भी दुनिया ते मौजूद ने जिहड़े इन्हां आवारा जानवरां नूं अपने गल दे नाल लाउंदे ने। ते इस तरह की जिहड़ी स्टोरी आ तुहाडे सामने अज असीं लैके आए हां, साडे नाल मैडम मौजूद ने, तो अंदर लेके चलते हैं। मैं तुहानूं पहलां बाद विच मुलाकात करवावांगा उन्हां दे नाल, इह उन्हां दी दुकान है एक छोटी जी, तुसीं देख सकते हो कि दुकान दे अंदर भी जिहड़े आवारा डॉग है ना इत्थे बैठे आ, इह तुसीं देख सकते हो कि बैठा है, ते अंदर लेके चलदा तुहानूं मैं, ते इह तुसीं देख सकते हो कि दुकान दे अंदर भी तुसीं देख सकते हो किन्ने डॉग बैठे ने। पहलां भी तुसीं वीडियो दे विच भी देख रहे हैं कि इन्हां दे जिहड़े बेटी आ उह भी जिहड़े आवारा डॉग है उन्हां नूं जाके खाना खिलाउंदे ने, हर रोज़ की ड्यूटी है जिहड़ी उन्हां दी, सुबह शाम जाके उन्होंने खाना जिहड़े आवारा डॉग खिलाउंदे ने उन्हां नूं। ते इह तुसीं देख सकते हो दुकान दे अंदर भी जिहड़े डॉग आ आवारा जिहड़े गलियां दे विच फिरदे हुंदे इत्थे आ के रैसट करदे आ, ते इन्हां दा प्रॉपर इंतजाम जिहड़ा कीता होया, गलबात करदे आ उन्हां दे नाल, ते किवें मन दे विच आया, किवें इह सोच के जिहड़ा खाना खवाउणा उन्हां ने डॉग्स नूं शुरू कीता, ते आओ तुहाडी मुलाकात करवाउणे आ उस सैक्शन दे नाल जिन्हां ने इस काम नूं जिहड़ा अगे लैके आए मेरे नाल। मैडम ने गलबात करदे आ, मैडम सति श्री अकाल जी। नमस्कार,
मतलब पी सेवा दी भावना जागी ते एक एक दो दो तीन चार अज पूरे 40 डॉग ने जिन्हां नूं असी अंदर बाहर फीड कराई दा है। ते घर फिलहाल मैं पिछले साल बना के हटी हाँ, तो रेंट ते दुकान है मेरी। ते इन्हां चीज़ां नूं मैनूं जो कि लोगों का विरोध या परेशानी मैनूं बहुत फेस करनी पैंदी है। मेरी गुड़िया है, गुड़िया नूं बहुत फेस करना पैंदा है, बच्चा यंग है। ते कई बार लड़के इहो जिहे आंदे ने, कई बार गलत चंगे माड़े कमेंट करके जाते हैं, असं बहुत फेस करते हैं। महीने पहले ही बहुत कुछ होकर हटिया आ भी हाँ एक डॉग ने बढ़िया या कुछ भी जो भी सीगा, ते उदे पिछे की होया भी साड़ी दुकान तक खाली कराने की नौबत आ गई सी। तो सानू ये सीगा भी कितों खावांगे ते कितों उन्होंने खिलावांगे। ते कहन दा मतलब भी चलो कुछ लोग जनता निकल के आई, सानू सपोर्ट किया कि तुहाडे नाल असी खड़े हैं, ते इस करके दुकान अज उत्थे ही है ते असी अपना कर्म करी जा रहे हैं। जे असी गल कर लगे तो किन्ने डॉग्स नूं तुसीं सवेर शाम जिहड़ा खाना खवाउंदे हो? सवेर शाम 40 डॉग ने। हाँ जी। कदों तों इह जिहड़ा खाना तुसीं खवा रहे हो? इदां हो गए 4 साल हो गए। हाँ जी, 4 साल हो गए ने। तो फिर बहुत सारिया दिक्कतां दी आउंदियां होणगियां, जिद्दां लोग तुसीं दस के हटे हो पहलां ही, ते होर किस तरह दी कोई दिक्कतां दा सामना करना पिया? दिक्कत आंदी ने सर, जिद्दां कि हुण 2 साल तो अद्धा मुहल्ला बाइकआउट कर गया। मैनू यह सीगा भी चलो उस काम का सर्कुलेशन चलेगा, मैं कोई टेंशन नहीं, मैं बच्चों का खर्चा कढ़ लाँगी, अपनी भी रोटी चला लाँगी, पर यहोजा कुछ नहीं। मैं गल करां तो दुकानदारी से कितना असर पैंदा, कोई कई लोग भी जे होणगे कहिंदे होणगे दुकान दे अंदर ही डॉग रखी बैठे ने, ये तो हाथ नहीं धोंदे होणगे, इदां दा भी कोई लोग तुहानूं मिलदे आ फेस करन? नहीं, एक दो आंदे आ, पर कई लोग इदां नहीं, क्योंकि असी इस चीज़ का ना सफाई का बहुत ध्यान रखीदा है, बहुत ज़्यादा। जो डॉग बैठे भी है तो साड़ी दुकान 'च गंदगी नहीं मिलेगी, सफाई हैगी आ। जे खाना भी देना तो आपां हाथ धो करके तद गाहकां नूं समान देना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ज़्यादा नहीं, पर जो है बाइकआउट करने वाले फिर बिल्कुल ही बाइकआउट करा देंगे ने भी इहदी दुकान ते नहीं जाना, ये खाना दिंदी है, डॉग रहिंदे ने दुकान तो बाहर, जे दुकान ही नहीं चलेगी तो आपे खाली कर देगी, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ नूं बहुत फेस करना पैंदा मैनूं। जे असी गल कर लगे रिश्तेदारां दी जां होर भी, क्योंकि रिश्तेदारां वल्लों भी कई बार कहा जांदा होणा भी तुसीं की मतलब आवारा जिहड़े डॉग्स उहनां नूं खाना खवाउंदे हो, किड्डा कि चंगा काम है? सर रिश्तेदारां नूं कदे नहीं, मतलब घरे हैगे डॉग मेरे, तो रिश्तेदारां ने आने घट कर दिता भी डॉग रखे हुए हैं इन्हां ने, तो इस करके बस बाकी इन्ना ना उन्हां नाल आपां कोई दुख सुख शेयर करी दे आ, आपे चल ले ही दे आ। मैं जल्दी नहीं करती दुख सुख किसी नाल भी, क्योंकि जिस जगह पर आपां खड़े हैं कोई जरूरी नहीं कि अगला भी उही चीज़ां समझे। तो जो मेरे बच्चे हैगे, मेरा बेटा बेटी, असी 4 जने हैगे फैमिली 'च इस टाइम, तो असी सारे साडी सोच इक्को ही आ। सो मैडम दे बेटी भी साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे आ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जिदा कि देखिया सी कि तुसी आवारा जिहड़े डॉग्स नूं जाके खाना खवाउंदे हो, ते जदों डॉग्स तुहाडे कोल आ के बहिंदे ने खाना खांदे ने, किस तरह दा महसूस करदे हो? बहुत वधिया महसूस हुंदा वा, ओह प्यार ही इन्ना करदे ने, ते इन्ना क महसूस हुंदा वा वी उन्हां तों वध कोई प्यार आपां नूं कर नहीं सकदे। कह सकदे आ वर्ड हुंदा सैल्फलैस लव, ते अनकंडीशनल, बगैर किसी कंडीशन दे, ओह इक ओही इक एनिमल, इक डॉग कह सकदे आ या कोई भी जानवर, उही तुहानूं प्यार करदा वा, इंसान नहीं कर सकता। ते उन्हां नूं कोई ये नहीं हैगा कि कोई लालच होवे, किसी लालच, थोड़ा जिहा प्यार ना, एक कह लो हाथ फेर लो सिर ते, थोड़ा जिहा कुछ खाण नूं पा दो, थोड़ी जी केयर दे दो, थोड़ी शैल्टर दे दो, कोई आसरा दे दो, मीह कणी तों बचा लो, ये थोड़ी थोड़ी जिहड़ी चीज़ां ने उही यानी कि उन्हां नूं बहुत हुंदियां ने। जिहड़ा तुसीं किसी इंसान लई बहुत कुछ ज़्यादा कर दोगे तां उहदे बदले 'च तुहानूं कुछ नहीं मिलण वाला अज दी डेट 'च, बट जिहड़े एनीमल्स ने उन्हां दे लई तुसीं थोड़ा भी करोगे, थोड़ा जिहा खाना भी दे दोगे, थोड़ी केयर करोगे, थोड़ा जिहा अफैक्शन दिखाओगे, तो वो ज़्यादा करते हैं। मेरे को केड़ी क्लास दे विच पढ़ते हो? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ये जो तुसी कॉलेज वगैरह जाते हो फिर तुहाडे दोस्त नहीं कोई कमेंट करते तुसी यार डॉग्स नूं खाना पा के आउणे आ, तुसी तक केड़ा काम फड़ लिया है? नहीं नहीं, इदां दा हजे कुछ नहीं। ये जे गल कर लगे तां कदों तों फिर तुसी ये खाना जिहड़ा काम कर रहे हो? वैसे तो 9 साल हो गए जब असी अपने घर एक बेबी अडोप्ट करके लैके आए थे, गली दे विच जिहनूं कहिंदे गली दा कुत्ता, उहनूं असी अडोप्ट कीता, तो उहदे तों ही मैनूं लगदा शुरुआत जिहड़ी हो गई सीगी। ते घर दे बाहर ही स्टार्टिंग तों ही 9 साल हो गया फीडिंग वगैरह करवाते रहे, फिर हौली हौली करते हुए 4 साल हो गए मैनूं इत्थे शॉप ते मम्मी दे नाल जॉइन किए, तो इत्थे आले दुआले डॉग सीगे, फिर करते करते अज दी डेट 'च 40 डॉग्स ने जिन्हां नूं
ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੱਥਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 40 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੋਗਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਲਾ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਨਵਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਧ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ।